एसटीएफ लुधियाना ने नशे की तस्करी करने के आरोप में एक i20 कार सवार को 1.5 किलो के करीब हेरोइन सहित काबू किया है। इसके अलावा पुलिस ने उक्त व्यक्ति द्वारा सप्लाई के लिए प्रयोग की जाने वाली एक्टिवा भी बरामद की है। आरोपी की पहचान शिवम बाले उर्फ गीगा के नाम पर हुई है, जिसे i20 कार नंबर PB13AK5251 में सवार होकर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चेकिंग की तो ड्राइवर सीट के पीछे बनी जेब से 1 किलो 440 ग्राम हेरोइन और कार के डैशबोर्ड में 35,000 ड्रग मनी बरामद हुई। कल साढ़े एसटीएफ दे इंस्पेक्टर हरपंच सिंह जी अपनी टीम दे नाल नेड़े शिंगार सिनेमा लुधियाना उत्थे मौजूद सीगे। सो साढ़े सीनियर ऑफिसर स्पेशल DGP साहब दी दिशा निर्देश अते अपने AG साहब जिहड़े हैगे ने इन्हां दी अगवाई च साडी जिहड़ी नाकाबंदी चल रही सी, उस दौरान इंस्पैक्टर साहब नूं मुखबरी हुई सी कि एक शिवम बाली इलियस गिगन नाम का व्यक्ति है जिहड़ा घाटी मले दा रहण वाला है, ये हीरोइन की सप्लाई करन दा आदी हैगा ते काफ़ी वड्डे पद्धर ते हीरोइन की सप्लाई करता हैगा ते ये समान एक रोहित हंस नाम का व्यक्ति है उहदे कोलों अते दिल्लियों लिया के सस्ते भा ते लिया के इत्थे सप्लाई करता हैगा। आप भी नशा करता है? हाँ, ये आप भी नशा करता हैगा ते ये इत्थे किराए ते रह रहा हैगा, मेहर सिंह कलोनी हैगी उत्थे रह रहा हैगा ते इहदे कोल इन्हे ड्रग्स की सप्लाई वास्ते एक i20 कार अते एक एक्टिवा स्कूटर भी रख्या होया हैगा ते अज भी जिहड़ा हैगा इन्हें सप्लाई देने वास्ते जाना हैगा ते इनफॉर्मेशन दे आधार ते इन्हां वल्लों जिहड़ा हैगा मुकदमा दर्ज करवा के ते पुलिस पार्टी दे नाल उत्थे जा के नाकाबंदी कीती ते ये शिवम बाली नूं जदों ये अपने घरों निकल के ते गड्डी बैठ के जाण लगा सीगा ते इहनूं काबू कीता हैगा ते काबू करन तों बाद मैनूं इहदे बारे दस्सिया गया ते मैं भी उत्थे मौके ते पहुँच गया ते उत्थे मेरी मौजूदगी दे विच इहदे कार दे विचों इहदी जिहड़ी ड्राइविंग सीट है सीट दी जिहड़ी कवर है कवर दे पिछे जिहड़ी पॉकेट हुंदी है पॉकेट दे विचों इहदी जिहड़ी हीरोइन सानूं बरामद हुई है जिहड़ी कि वजन करन ते 1 किलो 440 ग्राम हीरोइन मिली है ते डैशबोर्ड दे विच इहदी जिहड़ी ओह हीरोइन दी सप्लाई करके पैसे जो इहदी वटत हुंदी हैगी आ वो ड्रग मनी जिहड़ी हैगी आ वह 35,000 रुपया इहदे विच सानूं उत्थों बरामद होया। पहले भी कोई केस चल रहा है? इहदे खिलाफ 3 मुकदमे पहला भी दर्ज है एंड ये जिहड़ा हैगा जनवरी महीने दे विच ही इसे साल ही ये बेल आउट होया जमानत। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 7,20,00,000 रुपए बनती है। उन्होंने बताया कि शिवम बाली के खिलाफ पहले भी नशा बेचने के 3 मामले दर्ज हैं। शिवम ने पुलिस को बताया है कि वो ज्यादा समय फ्री रहता है, नशे की पूर्ति के लिए ही वो इस काम को कर रहा है। उसका सिविल अस्पताल में डोप टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव मिला। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि पूछताछ के दौरान और भी खुलासे हो सकें।